वेलकम है आज के ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और जो लोग हमारे इस चैनल से आज हमें देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल आज हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम श्वेता राय है, बिकॉज हर दिन बहुत सारे हजारों लोग हमारे साथ आज नए जुड़ते हैं इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। तो मेरा नाम श्वेता राय है, हार्पिस की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। आई हैव डन माय बीटेक इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स में सर्टिफिकेशंस लिए हैं और आज हार्पिस की 4 साल से प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ। अभी तक कम से कम 375 ट्रेनिंग, 375 ट्रेनिंग से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है। मैं हमेशा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को एक इम्पॉर्टेंट चीज क्यों कहती हूँ, बिकॉज माई फ्रेंड हमारा जो मेन वेपन है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जब आप लोगों के पास लेकर जाते हैं, तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनके लिए कंपनी आप हो, उनके लिए सब कुछ आप हो, वो आपका कॉन्फिडेंस देकर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका कितना बिलीफ है, आपका कितना नॉलेज है, ये देखकर लोग आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारी कंपनी के मैनेजमेंट, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के मैनेजमेंट ने सोचा कि आप तक प्रॉपर नॉलेज पहुंचना चाहिए। और हमारे बहुत सारे सीनियर स्टार्टिंग से एंड तक हमारी सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को ध्यान से सुनते हैं, ताकि आप तक प्रॉपर जो नॉलेज है वो आप तक पहुंच पाए, ताकि आप इस बिजनेस को और भी अच्छे से आगे बढ़ा सके, उसको इंक्रीज कर सके। इसीलिए माय फ्रेंड हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अभी हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे अभी आने वाले हैं, इसलिए हमारी कंपनी ने एक स्पेशल, एक आप ये कह सकते हैं एकेडमी ही आपके लिए खोल कर रखी है, जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। हार्वेस्ट कहता है जब आप लर्न करते हैं, जब आप अपनी लाइफ में पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो ही तो जाके मार्केट में 25-30 साल के बाद या स्टडीज के बाद हमें इनकम आना स्टार्ट होती है। मतलब जब हम लर्न करते हैं तो ही इनकम आती है। तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का भी यही एक मानना है कि जब हम लोगों को सिखाएंगे। बट फ्रेंड बहुत सारी कंपनीज का एक ही टारगेट होता है, लोगों को इस बिजनेस में जोड़ना है। हमारी कंपनी का टारगेट है उनको प्रॉपर एजुकेशन देना है, उनको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, उनको कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है। इसलिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी कंपनी के साथ आप जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वी हैव अ फेसबुक पेज, इस पेज को जरूर लाइक करें। कोई भी कंपनी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस पेज पे मिल जाएगी। और बात करें हमारे अब ब्रांड्स के बारे में, हम सबको पता है FMCG एक बहुत बड़ा आज मार्केट है FMCG का। FMCG में हम वो सारी चीजें यूज करते हैं जो सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारी चीजें ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कहते हैं 3 लाख करोड़ से बड़ा ये FMCG का मार्केट हो चुका है। इसीलिए हमारी कंपनी 6 ब्रांड्स के साथ आज मार्केट में आई है। और ये जो 6 ब्रांड्स आप देख रहे हैं, जो 6 ब्रांड्स आप देख रहे हैं, वो ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो घर में कोई चीजें यूज करने वाली ही क्यों ना हो, हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। हमारा जो ब्रांड आयुर्वेद से जुड़ा है उसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, जो हमारे आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी को बचाता है। ऑन एंड ऑन में हमारे साथ बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स है। और जो आप नीचे के 4 ब्रांड्स देख रहे हैं, एक हमारा एग्रीकल्चर का ब्रांड है, एक जो हम घर में जो चीजें यूज करते हैं उसमें है, मसाले से लेकर हर एक चीज हमारी कंपनी लेकर आ रही है। मैं हमेशा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों के ऊपर बात करती हूँ, वो क्या है, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना नया जमाना आ रहा है, जितनी ज्यादा अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, बहुत फैंसी हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां भी उतनी देखी जा रही हैं। आज से बहुत साल पहले लोगों में ऐसी बीमारियां सुनने को भी नहीं मिलती थी। 40-50 साल तक लोगों में डायबिटीज भी सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आज 5-6 साल के बच्चों में आज हमें डायबिटीज सुनने को मिलता है। क्यों? लाइफस्टाइल जो हमारी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लेकर आ रही है डे टू डे लाइफ में। इसीलिए कहीं ना कहीं आज हमारी एज या हमारा जो लाइफ है वो वैसा नहीं रह गया जैसे पहले हुआ करता था। कारण उसके बहुत सारे हैं। आज बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी पे बीमारियां करती हैं, लेकिन हमें छोटी से छोटी सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक का ये जो सफर है ना, वो एक ही चीज की वजह से होता है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम को हम सब जानते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। हर ट्रेनिंग में मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया है माय फ्रेंड, क्योंकि एक चीज को जब आप 10 बार सुनते हैं ना, मेरा एक पर्सनली मानना है, बहुत सारे लोग आज इस चीज को 10 दिन से सुन रहे होंगे, लेकिन हर ट्रेनिंग में आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। और जब एक चीज आप बहुत बार सुनते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो चीज आप फिर कभी भूलते नहीं है। इसीलिए एक इम्यूनिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर हम हर बार बात करते हैं। तो अगर इम्यूनिटी की बात करें, हमारी बॉडी में हर सेकेंड जब भी हम सांस लेते हैं, ऐसी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु बॉडी में जाते रहते हैं।
हमारी बॉडी में भी बैक्टीरियाज होते हैं, कहते हैं 1 kg से ज्यादा बॉडी में बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जब हमारी बॉडी पे हर सेकेंड हमला करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर एक 24/7 एक ऐसा डॉक्टर है जो हर सेकेंड बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैं हमेशा देती हूँ, एक डेड बॉडी है, उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद आपकी डेड बॉडी खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, जो बैक्टीरिया वायरस उस पे हमला करते हैं तो लड़ने के लिए उसमें कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन वही वायरस वही बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी पे जिंदा है हम तब हमला करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, अगर हम अपने इस रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम जो है, अगर हम उसको हाई कर दे तो बहुत सारी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन हम हमने हमने हमेशा कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात किया है कि कौन सी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को कम करती हैं। आपको पता है ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को तो कम करती हैं, लेकिन इन सारी चीजों का हमारी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। उस इंपॉर्टेंट ऑर्गन के लिए हमारी कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आई है, जिस सबका टॉपिक हम सबको पता है, जिसका नाम है वेल हार्ट। तो किस तरीके से वो चीजें हमारे हार्ट पे असर करती हैं वो भी आज हम देखेंगे। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो भी आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे आपने पुराने जमानों के पिक्चरों में देखा होगा, अचानक सदमा लगता है, हार्ट अटैक आ जाता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो बाहर का जब हम ज्यादा ही जंक फूड वगैरह खाते हैं तो आप सबको पता है ज्यादा जंक फूड वगैरह खाना आपकी इम्यूनिटी को तो कम करता ही है, आपके हार्ट पे भी इसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैटी चीजें होती हैं, ऑयल किस तरीके का वो यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके हार्ट को बहुत बुरा असर करती है। आगे चल के हम इसके ऊपर डिटेल में जाकर बात करेंगे। बहुत सारी हार्ट के पेशेंट्स भी बहुत सारी मेडिकेशन खाते हैं, या नॉर्मल लाइफ में भी हम बहुत सारी जो दवाइयां खाते हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कम करती है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर भी और आपके इम्यून सिस्टम को भी कम करने में। बात करें पोल्यूटेड एनवायरमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से भी आज हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। हम जब सांस लेते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, तो पोल्यूटेड एनवायरमेंट जो दूषित वातावरण है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मैं हमेशा कहती हूँ सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं आपका बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर पाता है। जैसे एक हमेशा एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों के पास कभी कभी कचरा जमा होता है, मुंह से हल्की स्मेल आती है, आपकी यूरिन का कलर पीला आता है। क्यों? जब बॉडी रात में डिटॉक्स करता है खुद को, इसलिए हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम खुद को फ्रेश करते हैं। तो अगर बात करें प्रॉपर स्लीप जब बॉडी लेता है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपके इम्यून सिस्टम को वो अच्छा रखने में भी मदद करता है, और जब आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपका इम्यून सिस्टम भी लो होता है। आप ज्यादा एक्टिव नहीं है या आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीजें टॉक्सिन्स जमना स्टार्ट हो जाता है, जो आगे चल के बीमारियों को लेके आता है। इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जैसे बहुत ज्यादा कीटनाशक हमारे खाने पे डाले जाते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम घर में सब्जियां लाते हैं, एक बार उसको वॉश करते हैं और खा लेते हैं, ये इतनी सारी चीजें जब बॉडी में जा रही हैं तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को कम करती है। मोबाइल का रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल का रेडिएशन और खासकर कुछ लोग जो मोबाइल फोन अपने पॉकेट पे रखते हैं तो वो डायरेक्टली उनके हार्ट पे बहुत ज्यादा रेडिएशन का असर पड़ता है। तो कारण बहुत सारे, कारण तो एक ये भी है जो हमने डेली डिटॉक्स में देखा था, हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जम जाता है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है, क्योंकि जब कचरा जमना स्टार्ट हो जाएगा उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह आने लगेंगे तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर बात करें, आपको अगर याद होगा तो हमने डेली डिटॉक्स में बात किया था कि डेली डिटॉक्स जो है हमारा वो आपके हार्ट से भी जो टॉक्सिन्स जी है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब आपका हार्ट भी इन सारी चीजों से अफेक्ट करता है। बात करें हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई नेचुरल रेमेडी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे माय डियर फ्रेंड तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत सारी दवाइयां मिल जाएंगी। लेकिन हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना कोई हम जब नेचुरल कोई ऐसी चीज को यूज करें, तो हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना हम अपने इंडिया के एक ऐसे शास्त्र को, एक ऐसे साइंस को यूज करें, और उसको देखकर हमारी माय डियर फ्रेंड हमारी कंपनी ने आयुर्वेदा को चूज किया, क्योंकि हम सबको पता है आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जो दो चीजों पे काम करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है और बीमारियों को कम करता है। और आज से नहीं, वो 5000 साल से भी पहले से आप हमेशा वेलनेस पे ही काम कर रहा है।
पहले के लोग नॉर्मल लाइफ जीते थे, आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, सात्विक खाना खाते थे, अच्छा खाना खाते थे, ज्यादा पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे। लेकिन आज हम अगर अच्छी आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं लेकिन साथ में हम बाहर का जंक फूड भी खा रहे हैं, ये सारी चीजें खा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी को तो कम करता ही है, प्लस हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है उसको भी डैमेज करता है। तो उसी आयुर्वेदा को बेस बनाकर हमारी कंपनी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आयुर्वेदा को जोड़कर हम सब के लिए एक ऐसा स्पेशल ब्रांड बनाया है जिसका नाम हमने रखा है एलिमेंट्स वेलनेस। और ये जो ब्रांड है इसका जो आप लोगो देख रहे हैं, एक सर्कल सा गोल सा लोगो जो आप देखते हैं एलिमेंट्स वेलनेस का, ये लोगो जो है इसका भी प्राइमरी डिजाइन ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन किया गया है, क्योंकि जैसा आपको पता है हमारा बॉडी जो पांच तत्वों से बना है वो पांच तत्वों को ये लोगो जो है वो बताता है। बात करें इस ब्रांड के अगर हम बारे में बात करें तो नारायणा सर का, डॉक्टर नारायणा सर का एक बहुत बड़ा हाथ है माय फ्रेंड इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में, क्योंकि अगर बात करें ये जनक माने जाते हैं, हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन है वो नारायणा सर के गाइडेंस में ही देखे जाते हैं। He has experience of 45 years आयुर्वेदा एंड फार्मा में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। He is an gold medalist, ये गोल्ड मेडलिस्ट है आयुर्वेदा में, अगर बात करें फार्मा में इनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, आयुर्वेदा का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। डाबर, हिंदुस्तान लिवर, ब्रेनबैक्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में एज अ डायरेक्टर की पोस्ट पे भी इन्होंने काम किया है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखी है और बहुत सारे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंटल कमिटीज होती हैं उस पे भी इन्होंने वर्क किया है। जैसे मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बताती थी एपीआई के कमिटी मेंबर ये रह चुके हैं, और एपीआई की अगर बात करें तो आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया के कमिटी मेंबर रह चुके हैं। इसलिए हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आप एलिमेंट्स में देखते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एपीआई के रेफरेंस में ही बनाए गए हैं। और अगर बात करें जब हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ आज नारायणा सर का साथ है और वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड यही एक रीजन है कि हमारा जो ब्रांड है उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला है। ये जो एलिमेंट्स वेलनेस का हमारा ये ब्रांड है इसको टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स ने 2019 के बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन दिया है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इतने कम सालों में, 4 से 5 सालों में ये हमें ये मिला है, जो हमारी बताता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो ही इतने कम सालों में हमें ये रिकॉग्निशन मिल पाया है। इसके ऊपर एक 30 seconds का वीडियो है जो मैं आपको शो करूंगी, तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। Together for Elements Wellness. Joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. तो ये हमारी कंपनी के लिए वो दिन था जब हमें ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला। आगे बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया हमारा जो बेस है दैट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सबसे एंशियंट है, सबसे पुराना है, एक नेचुरल तरीका है जहां से हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा जो साइंस है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते, ये नेचुरल तरीके से काम करता है। लेकिन आयुर्वेद में कहते हैं आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 elements, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसे अगर बात करें, कहते हैं यूनिवर्स में 70% वाटर है, आपकी बॉडी में 70% पानी है। बॉडी में ये जो 5 तत्व हैं, आपकी 5 उंगलियां इन 5 तत्वों को बताती हैं। इसीलिए कहते हैं इन 5 तत्वों को मिला के, इन 5 elements को मिला के हमारी बॉडी में 3 दोषास बनते हैं जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं। ये तीनों अगर बैलेंस रहेंगे तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब बैलेंस खराब होता है तो प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे चेस्ट के ऊपर की जो भी प्रॉब्लम होती है आपको, चाहे वो आस्थमा हो, चाहे वो आपको थायराइड हो, चाहे वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, वो सारे कफ की रिलेटेड वजह से देखी जाती है। तो इसलिए अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद एक ही चीज कहता है, वात पित्त कफ अगर आपका संतुलित है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक एज हमारी ऐसी होती है जब इसका जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे बच्चे जब हम होते हैं 15 साल से छोटे तो कफ बॉडी में ज्यादा होता है, 15 से 60 साल के बीच में पित्त का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, और 60 ईयर्स के बाद नॉर्मली वात का प्रॉब्लम देखा जाता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि अगर हम सही टाइम पे इन तीनों दोषास को अगर हम मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, तो बहुत सारी बीमारियों को हम बचा सकते हैं। लेकिन
इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना आयुर्वेदा की गुडनेस को यूज किया जाए और उसके लिए हम एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा माय फ्रेंड, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये जो प्रोडक्ट है उसको स्पेशल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा यूज करके एक ऐसा ब्रांड हमारे लिए बनाया गया जो हमारी बहुत सारी डे टू डे लाइफ की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स या आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें प्रिवेंट करता है। वेलनेस पे हम आज काम कर रहे हैं। इसमें हमने आज इम्पॉर्टेंट एक प्रोडक्ट कौन सा लिया है जिसको हम कहते हैं वेल हार्ट। अब कुछ लोग इसकी स्पेलिंग को नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी स्पेलिंग में ई क्यों नहीं है, हमने वेल एल वेल डब्ल्यू वेल का लिखा है और एच ई ए आर टी नहीं लिखा है, वी हैव रिटन एच ए आर टी। व्हाई वी हैव रिटन एच ए आर टी, इसके पीछे एक चीज है। आपने एक चीज सुनी होगी जिसको हम हिंदी में कहते हैं हिरन और इंग्लिश में कहते हैं डियर। हिरन जो होता है वो बहुत तेज दौड़ता है और जो हिरन होता है वो बहुत एक्टिव होता है, तो इंग्लिश में हिरन को, जो मेल हिरन होता है उसको हम एच ए आर टी कहते हैं। इसलिए हमारे प्रोडक्ट का नाम एच ए आर टी रखा गया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके दिल को, आपके जो हार्ट है उसको एक्टिव रखेगा, दौड़ता रखेगा, अच्छा रखता है, काम करते रहेगा, इसलिए इसका नाम हमने वेल हार्ट रखा गया। अब अगर हार्ट की हम बात करें तो हार्ट हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन होता है, एक ही होता है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में पंप करने का काम करता है और कहते हैं कि आपकी दोनों मुट्ठियों को अगर आप ऐसे मिला लेंगे तो वो हमारे हार्ट का एक साइज होता है, बहुत छोटा होता है हमारा हार्ट। इसलिए हार्ट पे एक लाइन बोली जाती है, दिल है तो जान है, जान है तो जहान है। हार्ट एक ऐसी चीज होती है जो दिन भर में 1,00,000 से ज्यादा बार वो धड़कता है और 1 मिनट में 60 से 80 बार 60 to 80 times वो धड़कता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हार्ट जो है हमारा वो दिन भर में 2,000 गैलन वो जो खून है उसको पंप करने में मदद करता है। तो आप ये सोच लीजिए हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, उसको कितनी बार वो पंप करता होगा तब जाकर 2,000 गैलन ये पंप करता है ब्लड। मतलब क्या है कहने का, एक छोटा सा हार्ट है जो इतने सारे काम करता है। तो अगर बात करें तो इसका खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सिंपल सी चीज है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब ये मांसपेशियों से बना है और ये कब से धड़क रहे हैं, जब से हम अपनी माँ के वूम में है, जब से हम अपनी माँ के गर्भ में, तब से ये हार्ट धड़कना स्टार्ट हो जाता है और जब तक इस दुनिया में तब तक धड़कता है। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स तो रेस्ट भी लेते हैं लेकिन यही एक ऑर्गन है जो रेस्ट नहीं लेता है, तो इसका खास अटेंशन देना, इसको खास ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने एक मूवी का टॉपिक देखा है दिल चाहता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा दिल क्या चाहता है, एक्चुअल में अगर बात करें तो दिल जो है वो 5 चीजों की जरूरत होती है उसको। अगर हम इन 5 चीजों को फुलफिल करते रहेंगे, इसकी 5 जरूरतों को पूरा करते रहेंगे तो हम अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने ट्रेनिंग में हमेशा जो टॉपिक्स थे बस उस पर बात किया था, आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो आज थोड़ा कुछ ऐसी चीजें थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज कुछ मेडिकल के ऐसे भी शब्द आने वाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं। तो पहली जरूरत क्या है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, कैसे होंगी वो सब अभी मैं डिटेल में जाकर बात करूंगी। दूसरा होता है उसकी जो ब्लड वेसल्स है, जो जिसमें खून जा रहा है, जो नलियां हैं खून की, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई क्लॉगिंग या कोई भी चीजें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो मजबूत होने चाहिए, इलास्टिसिटी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब लचीलापन मेंटेन होना चाहिए, बॉडी के हर एक भाग में प्रॉपरली खून पहुंचना चाहिए। और पांचवा है, देयर शुड बी नो इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए। अब इन 5 पॉइंट्स को भी हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे, जो हम पहली बार इतना डिटेल में बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग जो हार्ट मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे हम कर सकते हैं, वो कैसे होता है। सबसे पहला, आपके जो मांसपेशियां हैं हार्ट की वो स्ट्रांग तभी होंगी जब उसके हर एक पार्ट में अच्छे से ऑक्सीजन, अच्छे से खाना, अच्छे से न्यूट्रिशन जा पाएगा। और ये सारी चीजें किस तरीके से जाती हैं, हमारे खून के द्वारा जाती है, खून के थ्रू जाती है। तो हमारा खून हार्ट के हर एक पार्ट में पहुंचेगा तो वहां पे अच्छा खाना, अच्छा ऑक्सीजन वहां पे पहुंचता रहेगा, तो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज, आपके जो ब्लड वेसल्स है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, एक जो पहला जो नस है उस पे कोई ब्लॉकेज नहीं है लेकिन दूसरे नस पे थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गया है। तो अगर ब्लॉकेज होने लगेगा तो उस जगह पे अच्छे से खाना नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वो जो हार्ट के जो उस एरिया है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो इसको अगर हम रोकें, अगर हम ब्लॉकेज को रोकें, कम करें, तो हमारे हार्ट के मसल स्ट्रांग हो सकते हैं।
हमारे जो हार्ट के मसल्स है ना वो एक कार्डियोटोनिक एक्टिविटी करते हैं, आपके हार्ट के मसल्स बीट करते रहते हैं। जब आप नॉर्मल रहते हैं, जब आपका मन शांत रहता है, तो वो नॉर्मल हार्ट बीट रहती है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, नीचे दो हार्ट की फोटो है, एक नॉर्मल हार्ट बीट है जब हम नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हमें जब स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी ऐसा रहता है, तो हमारे हार्ट की जो बीट होती है वो तेज हो जाती है। इसीलिए अगर आपका दिमाग शांत है, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं, तो आपके हार्ट पे भी इसीलिए बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और बहुत सारे और भी इसके प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपने हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप सबको पता है, हार्ट एक मसल है। हम अपने बॉडी के बहुत सारे मसल को टोन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट के मसल्स भी अगर वेल टोन्ड होंगे तो आपके जो हार्ट की मांसपेशियां वो अच्छे से बीट होंगी और बहुत सारे आपको बीमारियां होने से वो बचाने में हेल्प करती है। दूसरा है कि क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए, आपकी जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो पहला है, आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो हेल्दी होना चाहिए। अब आप ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप एक वर्ड नोट कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल। जब भी आपको हार्ट का अपना कुछ टेस्ट करना हो या हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ये एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बहुत सारे लोग करवाते हैं, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से हमें कोलेस्ट्रॉल कितना है बॉडी में, टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सारी चीजें आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलती है। अगर ये हेल्दी रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इसका रेंज थोड़ा हाई रिस्क पे जाता है तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है, ब्लॉकेज वगैरह की चांसेस होना स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को अगर हम कम करें, याद रखिएगा हमारी बॉडी में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना आप याद रखिएगा। अब आपको कैसे याद रहेगा कौन सा गुड है कौन सा बैड है? LDL, उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL, L मतलब होता है लो, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। LDL में L आप याद रखिए, L का मतलब होता है लो, लो मतलब खराब, मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL, H मतलब हाई, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड है, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी आप LDL देखेंगे तो आप समझ जाइए कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बता रहा है। तो हम अगर अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करें, अच्छा इसको गुड या बैड क्यों बोला जाता है? सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारा HDL है ना, वो क्या करता है, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है या खराब कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लिवर तक लेकर जाने में मदद करता है, और लिवर से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो आपकी बॉडी के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, जो खराब चीज है उसको लिवर तक लेकर जा रहा है और आपकी बॉडी को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचा रहा है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। लेकिन जब बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को आपके आर्टरीज में, आपके जो नसों हैं उसमें लेकर जाने का काम करता है, जो आगे चल के ब्लॉकेज वगैरह बढ़ाने में मदद करता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बुरा काम कर रहा है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं। इंडियंस में एक प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम कहते हैं। इंडियंस में हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण ये ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये भी एक तरीके का फैट होता है। कहते हैं इंडियंस में ये प्रॉब्लम क्यों है, वो है हमारे मेथड ऑफ कुकिंग। हम अपने खाने में ज्यादा ऑयल यूज करते हैं, हर दिन हमारे हर एक चीज के हर एक आइटम में हमें ऑयल यूज करना जरूरी होता है। तो ज्यादा जब हम ऐसी ऑयल यूज करते हैं, ज्यादा हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं, इसका मतलब ऐसा कोई चीज आपके रूम टेम्परेचर पे जमा हो, जैसे ज्यादा घी, ज्यादा बटर, ये सब चीजें जब हम ज्यादा खाते हैं तो बहुत सारे लोगों में ट्राइग्लिसराइड का जब लेवल ज्यादा बढ़ता है तो वो भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को आगे हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। तो इंडियंस में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करें, एक और यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, प्लेटलेट्स, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। इसका मतलब क्या है, हमारे खून में तीन चीजें होती हैं, हम सबको पता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो खून में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, दूसरा है डब्ल्यूबीसी जो लड़ने का काम करता है, सिपाही जैसे होते हैं, सोल्जर्स जैसे होते हैं, और तीसरी एक चीज होती है प्लेटलेट्स। जब भी आपको कोई कट लग जाता है, खून निकल रहा है, खून को बंद करने का काम ये प्लेटलेट्स करते हैं। तो होता क्या है, आपकी जो नसें हैं, आप फोटो में देखिए जो नसें हैं उसमें प्लेटलेट जमना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेटलेट जब जमने लगता है तो आगे चल के ब्लॉकेज होने लगता है। इसीलिए हमारी बॉडी को अगर हम नेचुरल प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, जिसको हम PAI कहते हैं, अगर हम वो प्रोवाइड करें तो ये ब्लॉकेज से भी हम बच सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्लेटलेट
एग्रीगेशन का मतलब जमा होना और इनहिबिटर का मतलब रोकना, कोई ऐसी चीज जो आपके प्लेटलेट को जमा होने से अगर रोकती है तो वो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड जो आपका जो ब्लॉकेज वगैरह है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने जो ब्लॉकेज है उसको कम कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल को हेल्दी रखना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी है और कोई ऐसी चीज जो आपके प्लेटलेट को जमने से रोके। अब जो तीसरी चीज है उसको हम कहते हैं आपकी जो नसें हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें होती हैं। कहते हैं 72,000 से ज्यादा हमारी बॉडी में नसें होती हैं और लगभग तीन तरीके की नसें देखी जाती हैं, लेकिन बोला जाता है ये जो नसें हैं इसका लचीलापन होना जरूरी है। अब जैसे अगर बात करें इसका लचीलापन कब खत्म होता है, इलास्टिसिटी कब खत्म होती है, जब अंदर चीजें जमने लगती हैं, वो सख्त होने लगती है, कड़ी होने लगती है। तो इसका लचीलापन अगर बरकरार रहेगा, नसों का लचीलापन बरकरार रहने से क्या होता है, आपके शरीर के हर एक भाग में खून पहुंचेगा। इसको अगर हम हार्ट जैसा फोटो में देख रहे हैं, धीरे धीरे उसमें अंदर चीजें पीली पीली जमने लग रही है, मतलब वो जो ब्लड वेसल्स है वो आपका हार्ड होना स्टार्ट हो गया है। और इंडियंस में एक प्रॉब्लम क्या देखी जाती है, इंडियंस में वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो खून की नलियां होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है, पतली होती है, इसलिए इंडियंस में ब्लड प्रेशर और अगर बात करें कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम की केसेस ज्यादा देखे जाते हैं और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के पॉपुलेशन की कंपेरिजन में, इसीलिए इंडियंस में ये इश्यूज ज्यादा देखा जा रहा है। चौथा जो तरीका है उसको हम कहते हैं प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए, आपकी बॉडी में हर जगह खून का संचरण होना चाहिए, खून पहुंचना चाहिए। कहते हैं तीन तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या करता है, आपके पूरे शरीर से खून, आपके जो हार्ट से खून लेकर पूरे शरीर में लेकर जाता है, और आर्टरीज के जो खून होते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, मतलब आपने जब सांस लिया ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गया, फेफड़ों से क्या होता है वो ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट में जाता है, और हार्ट क्या करता है उस ब्लड को जो ऑक्सीजन वाला है वो पूरे बॉडी में आर्टरीज के द्वारा पहुंचाने का काम करता है। अब आपके जो वेन्स होते हैं, नसें होती है, जैसे आप अपने हाथ में देखेंगे तो आपको अपनी ब्लू ब्लू नसें दिखती हैं आपके हाथ के ऊपर, ये क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो बन रहा है, ये नसें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लेकर आपके फिर से हार्ट की तरफ जाती हैं और फिर वो आपके लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ पतली पतली भी नसें हमारे शरीर में होती है, जैसे आपकी आंख के पास की नसें, हाथ पैर की एंड की नसें में बहुत पतली नसें होती हैं जिनको हम कैपिलरीज भी कहते हैं, या आपके बाल जितनी पतली नसें होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पतली नसें भी हमारी बॉडी में है। तो आपके जो ऐसे जो ऑर्गन है जहां पे बहुत पतली पतली नसें हैं वहां पे ये जो कैपिलरीज है वो आपका ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके वेन्स तक पहुंचाने में मदद करती है, जिसको हम माइक्रो सर्कुलेशन भी कहते हैं। जैसा आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने आयुष्वास में मुनक्का के ऊपर बात किया था कि मुनक्का हमारी बॉडी में माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मतलब आपकी बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट में भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, खाना पहुंचाने में मदद करता है। तो इसीलिए हमारी अगर कैपिलरीज मजबूत है तो हमारे शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन पहुंचने में और खाने पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉपर सर्कुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट में जो ये टॉपिक है प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे लेकिन मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी, आपको सारे ये शब्द रटने की जरूरत नहीं है। हमारे हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। जैसे एक प्रॉब्लम होती है एंडोकार्डियाइटिस, इसमें क्या होता है इसको मैं आप सिंपल तोड़कर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी बीमारी जिसके नाम के पीछे आइटिस लगाओ, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, ओटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इसका मतलब क्या होता है, उस एरिया में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। एंडोकार्डियाइटिस का मतलब क्या हुआ, एंडो मतलब आपकी अंदर की लाइन, एंडो का मतलब होता है अंदर, कार का CAR का मतलब होता है कार्डियो, मतलब आपका हार्ट, आपके दिल की जो अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर के जो आपके हार्ट की लाइनिंग है उसमें अगर कुछ स्वेलिंग हो जाए, बहुत सारे कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, अगर उसमें से कोई कीटाणु आपके हार्ट के जो अंदर की लाइनिंग है उसमें चला जाता है, वहां पे इन्फेक्शन कर देता है, उसको हम एंडोकार्डियाइटिस कहते हैं, मतलब अंदर की जो लाइनिंग है उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको हम एंडोकार्डियाइटिस कहते हैं।
दूसरी चीज मायोकार्डियाइटिस का मतलब क्या होता है, आपके जो मांसपेशियां हैं, मसल्स जो होते हैं आपके हार्ट की, उसको मेडिकल भाषा में मायोकार्डियम कहते हैं। तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, हार्ट की मांसपेशियों में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो भी आगे चलकर, आपको बताएं हर साल लाखों लोग इस प्रॉब्लम की वजह से आज मर रहे हैं। और तीसरा होता है पेरिकार्डियाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है बाहर की जो लाइनिंग होती है, जिसको आप पेरीफेरी भी कह सुना होगा आपने एक वर्ड, पेरीफेरी मतलब बाहर की लाइनिंग। तो हार्ट की जो बाहर की जो लाइनिंग होती है, बाहर के जो टिश्यू होते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें अगर स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, या कोई भी ऐसी चीजें हो जाए, तो उसको हम पेरिकार्डियाइटिस कहते हैं, बाहर की चीजों में अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स से हमें इतना डिटेल में नहीं आपको याद रखना है, बस आपको मैं आज सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में जाने के लिए आज मैंने ये चीज बताई है। और अगर हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब अगर स्वेलिंग इन्फेक्शन हो रहा है उसको बचाने की कोई ऐसी चीज जो नेचुरल तरीके से काम करे, तो आपके हार्ट को अच्छा रखने में मदद करती है। जैसा मैंने आपको बताया हार्ट बहुत सारे काम करता है, तो उसको हेल्दी रखने में हमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बात करें, बहुत सारी चीजें हार्ट को खराब भी करती है, जैसे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो गया, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण हो गया, हमारा खान पान ज्यादा, अगर हम बाहर का खा रहे हैं, ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हैं, बटर वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, वो भी आपके हार्ट पे असर करता है। जब हम दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिसको हम जिसको बहुत सारे लोग पोटैटो कैफॉट सिंड्रोम भी कहते हैं, आप बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू लेकर आता है। हेरिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खानदानी भी हो सकता है, फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। देखिए एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, हम इसमें हमेशा कहते हैं कि खानदानी प्रॉब्लम है, फैमिली में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दादा परदादा को है, आपके पापा को है, तो आपको भी होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों होती है, अगर किसी फैमिली में हमेशा से ऑयल ज्यादा खाया जा रहा है, तो उसके हर एक जनरेशन को ये प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के पापा को ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो जनरेशन है वो प्रिकॉशन ले रही है, वो ज्यादा ऑयल नहीं खा रही है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही है, तो हम इस हेरिडिटी की चेन को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पेरेंट्स को है तो आपको 100% होगी, आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें एक्सेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, हमने पहले भी बात किया था, ट्राइग्लिसराइड भी एक तरीके का फैटी, एक फैट है जो हमारी बॉडी में, जो हम ज्यादा ऑयल एक्सेस चीजें ऐसे खाते हैं, तो जो इंडियंस में एक बहुत बड़ा रीजन है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडियंस में जो मेन प्रॉब्लम है ट्राइग्लिसराइड की, हम आज उस पर काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसीलिए हमारी कंपनी ने एक नोबेल फॉर्मूला निकाला है, और ऐसा फॉर्मूला आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। और उस फॉर्मूले को बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी नहीं है, तो कुछ सिम्टम्स आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको बहुत ज्यादा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम देखी जाएगी, आपको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो सकता है, सीने में कभी कभी दर्द स्टार्ट हो सकता है, नौजिया या वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी बहुत ज्यादा आपको नौजिया या जी मचलना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या उल्टी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, डिजीनेस हो सकता है, कभी कभी चक्कर आ सकता है। हार्ट की जो पेशेंट्स होते हैं, कभी कभी उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो गया है, एंजाइटी होती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है। तो आपको कभी भी ऐसा फील होना स्टार्ट हो ना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा भी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हांफने लग रहे हैं, आप सबसे पहले अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बैड और एचडीएल जो है वो रेंज में है या नहीं, तो ये टेस्ट से हमें ये सारी चीजें पता चलती है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने ये जो नोवेल फॉर्मूला निकाला है, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है संस्कारित मेथी। अब मेथी हम सबके घरों में यूज हो रहा है, लेकिन ये संस्कारित क्या है? संस्कारित का मतलब होता है, पहले मेथी को लिया जाता है, इसको सोक किया जाता है, पानी में सोक करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है बाहर निकालकर। तो आपने देखा होगा जब हम मूंग या ऐसी कोई चीज, स्प्राउट्स को जो हम बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, 2-3 दिन तक, तो उसमें अच्छा खासा ना जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुर निकल आते हैं। तो वो जो हमारा जर्मिनेटेड जो मेथी होता है, उसको फिर ड्राई किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, और वो जो मेथी होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम संस्कारित मेथी कहते हैं, जो आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है,
आपके डाइजेशन को अच्छा करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एक सिनर्जिस्टिक वे में काम करती है, अर्जुना बार्क और पुष्कर मूल जब एक साथ डाला जाता है, अर्जुन को आपको पता होगा अर्जुन एक ऐसे वॉरियर थे जिनका कभी कोई जो एरो होता था, जो बाण होता था कभी मिस नहीं होता। अगर उन्होंने किसी को टारगेट बनाया है तो उस पर हिट करेगा ही करेगा। इसीलिए अर्जुना बार्क जो है वो आपके हार्ट को, हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। और अर्जुना, इसलिए इसका नाम अर्जुना बाक रखा गया क्योंकि अगर इसने हार्ट को टारगेट किया तो हार्ट पे ही जाकर काम करता है और हार्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो अर्जुना बाक के साथ जब हम पुष्कर मूल डालते हैं तो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको टोन करता है और आपके जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे से धड़कती हैं। दूसरी, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल को मेंटेन करता है, आपके जो नसें हैं उसके लचीलेपन को मेंटेन करता है। पीएआई एक्टिविटी का मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, प्लेटलेट के जमने से जो ब्लॉकेज हो रहा था उसको भी रोकने में मदद करता है। याद रखिएगा माइंड फ्रेंड, मार्केट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन जो दी जाती है उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। और लास्ट में हमने तीन जो जड़ी बूटियां इसमें डाली है जिसको हम कहते हैं मुनक्का, सतावरी और गुरुची, ये जो तीन चीजें हैं वो क्या करती हैं, बायो एबिलिटी का काम करती है। मतलब और जो हमने जड़ी बूटियां डाली हैं उसके जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है या बायो एबिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करती है। आयुर्वेदिक टर्म्स में योग वाही जैसा वर्क करती है। आगे बात करें किसको देना है, सबसे पहले जो भी 30 इयर्स के ऊपर है आप उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं जिनकी एक हेक्टिक लाइफस्टाइल है, या जैसे कभी कभी आपने देखा होगा 25 साल के हैं लेकिन हार्ट अटैक आ गया, 25 साल के हैं लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब एज तो उनकी कम है लेकिन हार्ट की कंडीशन ज्यादा हो गई है। मतलब आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब जो आपका पासपोर्ट पे आपका एज है, जिस दिन आप पैदा हुए, जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। बायोलॉजिकल एज का मतलब कुछ लोगों की एज तो कम होती है लेकिन उनका जो हार्ट का कंडीशन है वो ज्यादा है, ये कारण है आपकी जब अंदर की कोशिकाएं ज्यादा एजिंग ज्यादा होने लगती है उनकी तो आपका हार्ट जो होता है वो वीक होने लगता है, तो कम एज में ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है उसको आपकी क्रोनोलॉजिकल एक्चुअल एज से ये अलाइन करता है, उसको एक जैसा करता है। अगर आप 40 साल के हैं तो आपकी हार्ट की कंडीशन जैसी होनी चाहिए, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो उसको वैसा रखता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बैलेंस करता है, प्लेटलेट को जमने नहीं देता है, और अगर बात करें आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसा हमने देखा हमारी पांचों जरूरतों को ये प्रोडक्ट काम करता है। और याद रखिएगा मार्केट में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है, मार्केट में आपके खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन जैसी मेडिसिन दी जाती है, प्लेटलेट को कम करने के लिए एंटी प्लेटलेट वाली मेडिसिन भी दी जाती है तो प्लेटलेट को जमने नहीं देती है, बीटा ब्लॉकर्स जैसी मेडिसिन दी जाती है जो आपके हार्ट को थोड़ा सा स्लो कर देती है, जिसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं अगर आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और आपकी आर्टरीज में जमने से उसको हार्ड होने से रोकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कभी स्टंट लगा है तो फिर से उनको ब्लॉकेज के चांसेस देखे जाते हैं, तो जहां पे स्टंट लगा है वहां पे फिर से जो ब्लॉकेज के चांसेस हैं वो होना के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, फिर से होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कभी किसी को ऐसा हुआ है ऑपरेशन करवाने के बाद 2-4 महीने हो गए हैं तो आप उनको भी अपना वेल हार्ट रिकमेंड कर सकते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों ले सकते हैं, और अगर जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी को आप ये प्रोडक्ट दें तो देने से पहले एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें, और लगभग 12 हफ्तों के बाद, 3-4 महीने के बाद फिर से लिपिड प्रोफाइल को एक बार टेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मल जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना मेंटेन हुआ है। तो ये रिपोर्ट अपने पास जरूर रखिएगा। किसको देना है, 40 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं, 25-40 साल के बीच में और एक फैमिली हिस्ट्री है आप उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। हल्का फुल्का हार्ट का इश्यू लगता है जैसा मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या चेस्ट पेन है, उधर भी आप दे सकते हैं, और जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो 25 साल के भी हैं अगर आप तो भी साल में इसको 3-4 महीने ले सकते हैं। लेना कैसे, सुबह एक कैप्सूल नाश्ता करने के बाद और रात में कैप्सूल खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम आपको लेना है, आफ्टर योर मील खाना खाने के बाद लेना है। इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी के ऊपर अगर हम बात करें, बोला जाता है ये जो आप पेज देख रहे हैं ये WHO का पेज है। WHO की पहली लाइन ही क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। मतलब क्या है, हर साल लगभग 17-18 मिलियन लोग हर साल से कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल की बीमारियों की वजह से आज उनकी डेथ हो रही है, तो नंबर वन कारण बन चुका है।
और इंडिया में ऐसे जो प्रोडक्ट जो हमारे हार्ट के सोल्यूशन को लेकर आते हैं उसका जो अगर मार्केट की बात करें तो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं वेल हार्ट का हमारा कितना बड़ा मार्केट हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से लोगों तक इन्फॉर्मेशन अगर हम उनको पहुंचा सके, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसका कोई आपको साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है और नेचुरल तरीके से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। किधर नहीं देना है, हार्ट अटैक आया है उस टाइम पे आपको, कभी कभी कुछ लोगों को अचानक एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा हार्ट की दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, उस टाइम पे अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो वेल हार्ट नहीं खिलाना है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है तो डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अगर कोई हार्ट की मेडिसिन ले रहा है, कोई भी ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहा है तो उसको रिप्लेस करके आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है, उसके साथ आप दे सकते हैं, 1 घंटे का गैप मेंटेन रखिएगा, बट आपको कभी भी किसी की दवा को बंद नहीं करवाना है। आप डॉक्टर नहीं है किसी की दवा को बंद करवाना है। अगर किसी का बाईपास वगैरह हुआ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही, क्योंकि उस टाइम उनके बहुत सारी हेवी मेडिकेशन है, तभी आपको ये प्रोडक्ट देना है। तो ये था हमारा इल हार्ट है, उसको अच्छा करता है, वेल हार्ट करता है, इसलिए इसका नाम वेल हार्ट रखा गया है। अब 2-3 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगी। सबसे पहला, हमने इसमें गोल्डन वेजिटेरियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया है। आप सबको पता है मार्केट में जो कैप्सूल्स होते हैं वो नॉन वेज के बने होते हैं, हमारा जो कैप्सूल्स है वो वेज का बना हुआ है। वेज जो कैप्सूल्स होते हैं वो 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं, 6 times ज्यादा कॉस्टलियर होते हैं मार्केट के नॉन वेज के कैप्सूल से। नॉन वेज के कैप्सूल्स की अगर बात करें तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर का मतलब नमी ज्यादा होती है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, गीले कपड़े में कीड़े मकोड़े जल्दी लगेंगे, सूखे कपड़े में कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है उसके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया की कोई गारंटी नहीं होती। और अगर टेम्परेचर हाई है तो साइज को डिफॉर्म, कैप्सूल्स के साइज चेंज होने के भी चांसेस देखे जाते हैं, जो वेज कैप्सूल्स में नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी कभी भी क्वालिटी से बार्गेनिंग नहीं करती है, माय डियर फ्रेंड। हमारी कंपनी है जो वेज कैप्सूल्स, हमारे एक एक प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे सब में वेज कैप्सूल्स है। तो जो जेन है उनके लिए सूटेबल है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज है ये। दूसरी चीज, हमारे हर एक प्रोडक्ट में नोबल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले गए। अगर हम वेल हार्ट की बात करें तो वेल हार्ट में अर्जुना बाग, मुनक्का, ऐसे सतावरी, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने मिलाकर डाली, और स्पेशली संस्कारित मेथी। तो आपको वेल हार्ट में 2 चीजें याद रखनी है, एक संस्कारित मेथी और दूसरा अर्जुना बार्क हमने डाला है जो आपके हार्ट को ही टारगेट करता है। तो हर एक प्रोडक्ट में हमने नोबल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले। और लास्ट में अगर हम बात करें, हमें ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं सबको आयुष का सर्टिफिकेशन मिला है, और वो भी आयुष का स्टैंडर्ड नहीं, प्रीमियम मिला है। प्रीमियम का मतलब होता है आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि जब भी कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदिए हमेशा ध्यान दीजिए कि उस पर आयुष का सर्टिफिकेशन है। इसीलिए अगर बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी से नहीं 2013 से ये चीज कह रही, क्योंकि आयुष जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, स्पेशली अगर प्रीमियम की बात करें तो उसको हम क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अभी तक कवर किए हैं, और लास्ट में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और लास्ट में टाइप्स ऑफ कस्टमर, आपको ABC अगर बात करें, ए का सर्कल बड़ा है, बी का छोटा है, सी का सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे सर्कल में हमें नहीं जाना है। तो याद रखिएगा, सी जो क्रिटिकल पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, आईसीयू में है या 4 stage कैंसर है, उधर हमें नहीं जाना है। प्लीज पेशेंट मत ढूंढिए, डॉक्टर मत बनिए, हमें ए और बी में जाना है। ऐसे लोग जो हेल्दी हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हेल्दी रहें, और दूसरे जो बीमार हो चुके हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कम है या हल्की फुल्की कुछ सिम्टम्स दिख रही है, आप उन केसेस में आप उनको दे सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देना है, हमें हमेशा ए और बी में ही काम करना है, क्योंकि वही मार्केट ज्यादा बड़ा है। और सी के लिए मार्केट में बहुत अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, उनको उनका काम करने दीजिए। ई कॉमर्स साइट पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वहां से आपको कभी भी ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं, क्योंकि वो फेक एक्सपायर्ड हो सकते हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आपको ये नहीं लेना है, जब भी लेना है आपको इंडिया के आउटलेट से जाकर ही प्रोडक्ट्स लेना है। जिन्होंने आपको इस बिजनेस के लिए बारे में बताया है या प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, वो आपको ऑथेंटिक जगह बताएंगे जहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। और भी डिटेल्स के लिए indiashopee.com हमारा ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके प्रोडक्ट्स की और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हमारा वेल हार्ट के ऊपर था। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो अगर किसी को वेल हार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। 5 मिनट का आज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो प्लीज ध्यान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछिएगा। बिल्कुल दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके आप मेडिसिन को प्लीज बंद मत करवाइएगा।
और डोजेस की बात करूं तो डोजेस मैंने अभी बताया, सुबह शाम आपको लेना है। स्पिरुलिना के साथ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है तो उसमें आप दे सकते हैं। वेल हार्ट डायबिटीज में बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप डायबिटीज में भी दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलिमेंट्स वेलनेस का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें गैप रखिएगा, 10-15 मिनट का गैप रखिए। अगर आप डेली टॉक्स के साथ वेल हार्ट ले रहे हैं तो आप 10-15 मिनट के बाद ले सकते हैं। डोजेज मैंने अभी बताया, सुबह एक कैप्सूल नाश्ता करने के बाद और रात में एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई लो आप दे सकते हैं, कोई आपके हार्ट को मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी का ओपन हार्ट सर्जरी 4 साल पहले, वहां अगर आप इतने साल पहले हुआ है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, एज अ प्रिवेंशन ये काम कर सकता है। अभी मैंने बताया स्पिरुलिना के साथ भी दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वेल हार्ट को मिनिमम 3 से 4 महीने तक आप लगातार ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। देखिए अगर कभी कभी जो हमारे चेस्ट में पेन होता है तो हमारे हाथ और पैरों तक, हाथ तक बॉडी में जो बॉडी के अलग पार्ट्स है उसमें भी पेन पहुंचता है, तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम है और आपकी एज 25-30 साल के ऊपर है तो आप बिल्कुल साल में 4 महीने इसको एज अ प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर कभी किसी को स्टंट वगैरह लगा है और ऑपरेशन हुए टाइम हो चुका है तो आप प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया उसमें भी ये आपको फिर से होने के चांसेस से प्रिवेंट करेगा, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल भी इसके साथ फॉलो कर रहे हैं तो ही। नॉर्मल लोग भी इसको बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हमारे जो भी प्रोडक्ट है सारे वेलनेस पे काम करते हैं, वो सब नॉर्मल लोगों के लिए ही है, तो कोई भी नॉर्मल लोग इसको ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया 25 साल के ऊपर है लेना स्टार्ट कर सकते हैं, 24 साल के लिए भी डोजेस वही है, 24-25 साल के भी है, तो आप डोजेस वही लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप सुबह एक कैप्सूल नाश्ते करने के बाद और रात में एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। यस, फाइट स्ट्रेस और वेल हार्ट को भी आप साथ में दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके हार्ट पे, तो अगर आपकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आगे चल के वो डैमेज करने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। अगर किसी का ये हेल्दी भी है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नॉर्मल है तो भी आप चाहें तो 2-3 महीने तक लगातार हर साल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को एक बार अटैक आ चुका है तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, अगर उनको अटैक आया है इट मीन्स कि उनके बॉडी में हार्ट के इश्यूज हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करेंगे, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, कल इसी टाइम पे हम फिर से मिलेंगे, थैंक यू सो मच।